अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ की एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व की थी। मुझे उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.5 में हम लोग टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे और इसको उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ साइंस, ठीक है। एक बेसिक बुनियादी फिजिकल क्वांटिटी, एक मिकदार है, ठीक है, साइंस में। इट्स अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़, के ये हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है। टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट, ठीक है, इसको हम लोग हीट की डिग्री भी कहते हैं। प्रेजेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी, जो कि किसी भी जिस्म में मौजूद होती है। मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, और इसको हम लोग थर्मोमीटर की मदद से जो है वो नाप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। आगे है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, जी, तो रिकॉग्निशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो रिकॉग्निशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है, हम लोग फारेनहाइट और सेल्सियस में जो है वो रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे द फॉलोइंग टू बेसिक टेम्परेचर स्केल्स आर कॉमनली यूज, ठीक है, दो स्केल जो है वो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, ठीक है। सेल्सियस है जिसको हम लोग सेंटीग्रेड भी कहते हैं, और एक है फारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर फॉर एवरी डे एप्लीकेशन एंड यूज इज सेल्सियस स्केल, ठीक है, जो कि बेसिक यूनिट है ऑफ टेम्परेचर के एवरी डे, जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में या रोज़मर्रा जो है वो यूज़ में होता है, वो कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल है। इन विच 0 डिग्री सेल्सियस स्केल करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री है। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और 100 डिग्री जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, वाटर का। इट इज़ वाइडली नाउन एज सेंटीग्रेड स्केल बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल इंटरवल्स कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम लोग 100 इक्वल इंटरवल में जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है फारेनहाइट स्केल, द सेकेंड बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़ फारेनहाइट, ठीक है, जो दूसरा बुनियादी यूनिट है वो कौन सा है, फारेनहाइट है। इन फारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फारेनहाइट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट, और 212 डिग्री फारेनहाइट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और पानी का बॉइलिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, चेंज है दोनों में। इन फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल द डिस्टेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिवाइडेड इन 180, अब इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 180 इक्वल इंटरवल्स कॉल्ड डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, उसमें हम लोग जो है वो 100 में, और यहाँ पे हम लोग 180 में उसको जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेल्सियस नाउन एज सेंटीग्रेड इज़ अ स्केल ऑफ मेजरमेंट और फॉर टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की मेजरमेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश एस्ट्रोनोमर एंडर्स सेल्सियस, ठीक है, ये साइंसदान का नेम है एंडर्स सेल्सियस, और ये इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ठीक है। हु डिवेल्प द सिमिलर टेम्परेचर स्केल, ठीक है, जिसने जो है वो इसी तरह का एक टेम्परेचर स्केल जो है वो डिवेल्प किया था। फारेनहाइट स्केल जो है वो उसका सिंबल क्या है, एफ, इज़ अ टेम्परेचर स्केल प्रोपोज इन 1724, ठीक है, ये जो है 1724 जो है उसमें बाय अ जर्मन फिजिकिस्ट डैनियल जिब्रेल, ठीक है, डैनियल जिब्रेल जो है वो उसने इसको ईजाद किया था, और उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेट ऑफ डेथ यहाँ पे दी है, ठीक है। आफ्टर होम द स्केल इज़ नेम, ठीक है, उसके बाद जब इसका नेम रखा गया था, ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ, ये देखें यहाँ पे उन्होंने स्केल हमें बताया हुआ है, फारेनहाइट स्केल का और सेल्सियस स्केल का, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे ये फारेनहाइट स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इनका जो जो इनके इंटरवल हैं जिसपे हम इसको डिवाइड करेंगे 100 पे और इसके 180 पे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्जन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर्स,
इन डेली लाइफ टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टेम्परेचर टू फारेनहाइट स्केल टेम्परेचर और वाइस वर्सा फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो किन स्टेप के जरिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस को जब हमने फारेनहाइट में लेके आना है, वही मल्टीप्लाई द गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमें दिया गया है उसको हमने 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमने 32 ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है जिसकी मदद से हमने क्वेश्चंस को नेक्स्ट सॉल्व करना है। एफ इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, वेयर एफ इज़ फारेनहाइट टेम्परेचर एंड सी इज़ सेल्सियस टेम्परेचर, टू कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस वी सब्ट्रैक्ट 32। ठीक है, अब जब हमने फारेनहाइट को सेल्सियस में लेके आना है तो तब हमने 32 को माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम फारेनहाइट जो हमें टेम्परेचर दिया गया उसमें से हमने 32 को माइनस करना है, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी, लेकिन आपने ये फार्मूले दोनों जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। सी इक्वल ब्रैकेट एफ माइनस 32, मतलब टेम्परेचर में से 32 को माइनस कर दें, फिर जो आंसर आएगा दोनों इसका उसको हमने 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो कन्वर्ट 32 डिग्री फारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, फर्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, 32 को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है फारेनहाइट को, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है 32 को हमने फारेनहाइट टेम्परेचर में से, 32 माइनस 32 तो आंसर क्या आया 0। अब 0 को हमने क्या करना है, 0 को हमने 5/9 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 5/9 मल्टीप्लाई 0, तो अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो तब भी आंसर 0 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, हमने उनमें से फारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फारेनहाइट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.5 में से। यहाँ पे है डिटरमाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज टेम्परेचर्स। ठीक है, ये हमें टेम्परेचर्स दिए हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, इनको हम लोगों ने देखना है, फिर हमने इनका सम भी निकालना है और इनका डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इनको अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बुक से आपने क्वेश्चन देखना है और कॉपी पे आपने साथ साथ उतारना है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट देखें क्वेश्चन जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये स्टार्टिंग टेम्परेचर है और ये एंडिंग टेम्परेचर है। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये 30 से आगे हम लोग काउंट कर लेते हैं, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है हमारा 36, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट 36 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं, एंडिंग पॉइंट कितना है हमारा 30 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा 39, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंडिंग पॉइंट। और उन्होंने हमें कहा है कि आपने सम और डिफरेंस दोनों मालूम करने हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सम ऑफ टेम्परेचर क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सम ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस करना है आपने। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट में जो है वो एंडिंग पॉइंट को प्लस करना है, 36 प्लस 39 डिग्री, 36 में 39 अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना आपने। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स, तो हमने एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 39 माइनस 36 हम लोग करेंगे। ठीक है, 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आंसर आएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सम भी आ गया और डिफरेंस भी आ गया। अब इसी का हम लोग जो है वो क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाऊंगी। इसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, 40 से आगे 41, 42, 43। स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद एंडिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं, एंडिंग पॉइंट 40, ये 45 हो गया, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और ये 51। ये आपने ध्यान से काउंट करना है, यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, तो एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब सम ऑफ टेम्परेचर्स और डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स, सम ऑफ टेम्परेचर्स स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टेम्परेचर्स को प्लस कर लें। ठीक है, 43 में 51 प्लस करेंगे तो 94 हमारा आंसर आ जाएगा।
डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स, ठीक है, एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग को माइनस करें तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू फारेनहाइट स्केल। अब फारेनहाइट स्केल में जो है वो हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, डिग्री में हमें दिया है, ठीक है, डिग्री में दे दिया है, फारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो यहाँ पे लिख लें 45 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप लोगों ने इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपने फारेनहाइट का यहाँ पे फार्मूला लिखना है, तो आपने फार्मूला अच्छे से याद करना है, फिर यहाँ पे लिख लेना है एफ़ इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे, एफ़ इक्वल 9/5 की जगह हम लोग 9/5 मल्टीप्लाई सी की जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है, 45, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 45 लिखेंगे प्लस 32 साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कटिंग हो रही है 5 9s are 45, अब ये 9 multiply 9 प्लस 32, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में प्लस करेंगे, ठीक है, तो 9 9 81 9 9 is 81, ठीक है, 81 में हम लोग 32 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 113 डिग्री। अब सेंटीग्रेड ख़त्म हो गया हमारा, हमारा फारेनहाइट चल रहा है, ठीक है, तो डिग्री फारेनहाइट हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने फार्मूला याद करना है, उसको लिखना है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन खुद ही यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। अब हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग सेल्सियस का फार्मूला लिखेंगे, सी इक्वल ब्रैकेट एफ़ माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अब फार्मूले के अंदर जो है वो लिख लें, एफ़ की जगह 54 माइनस 32, 54 में से 32 हम माइनस करेंगे, इस साथ में 5/9 वैसे ही हम लोग उतार देंगे, ठीक है। तो 54 में से 32 माइनस करें तो 22 आ जाता है मल्टीप्लाई 5/9, अब इसको हम करेंगे, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 110, 110 को 9 पे डिवाइड करना है, ये 110 को हम लोगों ने 9 पे डिवाइड किया, ठीक है, 9 1 is 9, 1 में से 9 माइनस नहीं होंगे इसलिए यहाँ से यहाँ कैरी लिया 11, 11 में से 9 को हम लोगों ने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। अब 2 छोटा है, 9 बड़ा है, हमने 0 उतारा, ठीक है, 20 और 9 2s are 18, ठीक है। अब फिर हमने माइनस किया 10 में से 8 को 2 और यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 0, अब हमने 2 हमारे पास छोटा है, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, अब ये 20 हो गया तो 9 2s are 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने इसको फिर डिवाइड किया तो हम ये आंसर जो है ये हमारा चलता जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बस इतना ही सॉल्व करेंगे, 12.22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखिए सेंटीग्रेड में हमारा आंसर जो है वो आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग फार्मूला याद करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 जो है वो हाफ सॉल्व की है, ठीक है, नेक्स्ट हाफ जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले अच्छे से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।